हाय एवरीवन मेरा नाम रिचा जैन है वेलकम बैक टू आर चैनल किड्स एक्टिविटीज तो मैं आज आप लोगों के साथ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज शेयर कर रही हूँ सिंगल सेटअप आपको उसमें कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर हम लोग मल्टीपल एक्टिविटीज कैसे करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेवल फ्रॉम इनिशियल टू डिफिकल्ट लेवल्स की अगर बच्चा दो साल का है तो हमें क्या एक्टिविटीज करानी है उससे आगे हमें कैसे बढ़ना है तो आज मैं वो आप ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करूंगी सभी की सभी ये जो है ग्रोस मोटर एक्टिविटीज हैं तो ऑब्वियसली बच्चे का ग्रोस मोटर स्किल इंप्रूव होगा फाइन मोटर स्किल भी इंप्रूव होगा आ, सेंसरी इंटीग्रेशन होगा क्योंकि इसमें वेस्टिबुलर एक्टिविटीज हैं प्रोपरसेप्टिव एक्टिविटीज हैं ब्रेन जिम मिडलाइन क्रॉसिंग एंड बहुत सारी अटेंशन बूस्टिंग एक्टिविटी है जिससे बच्चे का हाइपर एक्टिविटी भी रिड्यूस होगा सो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू न्यू न्यू एक्टिविटीज एंड न्यू न्यू आइडियाज सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटी नंबर वन एक्टिविटी मैंने लाइन ड्रॉ किया है उस पर व्हीकल को चलाना है इससे बच्चे की अटेंशन इंप्रूव होगी क्योंकि लाइन पे ही चलाना है उस पर्टिकुलर पैटर्न पे चलाना है लाइन की जगह आप कोई भी पैटर्न ड्रॉ करके दे सकते हैं इससे बच्चे का अटेंशन बढ़ा साथ ही साथ विजुअल ट्रैकिंग बच्चे की इंप्रूव होती है और बच्चे के सेंसरी इश्यूज डाउन आते हैं नंबर टू एक्टिविटी यहाँ पर मैंने बॉल रोल करने के लिए दी है उस लाइन पे तो बॉल जब वो रोल करेंगे तो फाइन मोटर एक्टिविटी है फिंगर डेक्सटेरिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं अगर बच्चे का रिटेन रिफ्लेक्स है पामर ग्रास रिफ्लेक्स तो उस उसपे भी हम लोग साइड बाय साइड काम कर रहे हैं एक्टिविटी नंबर थ्री इज अ वेरी गुड प्रोपरसेप्टिव एंड वेस्टिकुलर एक्टिविटी लाइन पर टेंडम वॉक करनी है एक फुट और उसके आगे दूसरा फुट लाइन पे ही वॉक करना है तो बच्चे की अटेंशन फोकस बहुत इंप्रूव होता है एंड लुकिंग डाउन की हैबिट आती है एक्टिविटी नंबर फोर इसमें साइड बेस वॉक करना है लाइन पे तो बच्चे का लैटरल कोऑर्डिनेशन इससे बहुत अच्छा होता है एक्टिविटी नंबर फाइव साइड जंप्स बच्चे को अपनी पूरी बॉडी को मैनेज करते हुए लाइन पे साइड जम्प एग्जैक्ट वे में जंप करना है दिस इज अगेन अ वेरी गुड ग्रोस मोटर एंड अटेंशन बूस्टिंग एक्टिविटी एक्टिविटी नंबर सिक्स इज क्रिस क्रॉस वॉक इस तरह से लाइन पे क्रिस क्रॉस वॉक करना है तो मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी है जिससे दोनों ब्रेन का कोऑर्डिनेशन आता है और बच्चे की लर्निंग इंप्रूव होती है एक्टिविटी नंबर सेवन इज क्रिस क्रॉस जंप्स ये एस टी एन आर इंटीग्रेशन एक्टिविटी है और इसमें अगर मैं बात करूं बच्चे को पूरा प्रॉपर बॉडी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड इट लुक सिंपल बट इट्स क्वाइट टफ एक्टिविटी नंबर एट बॉल को लेग्स में दिया उस लाइन पे जंप करना है बच्चे को तो दिस इज अ वेस्टिबुलर एक्टिविटी अटेंशन बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन एंड बच्चे का ग्रोथ मोटर स्किल्स एक्टिविटी नंबर नाइन अब बॉल को लेकर उसको चलना है उसी लाइन पे वॉक करना है तो दिस इज अ वेरी गुड पेशेंस एक्टिविटी जिससे बच्चे का पेशेंस इंप्रूव होता है हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चे पेशेंस ही नहीं है बहुत जल्दी जल्दी करता है अब ऑब्जेक्ट को लेकर जब वो इस तरह से वॉक करेंगे तो उनको पेशेंस की हैबिट पड़ेगी देयर बॉडी गेट यूज टू स्टेबिलिटी एक्टिविटी नंबर टेन इज अ लेमन वॉक लेमन रेस हमने सभी ने किया है लेमन प्लस टेनम वॉक तो इससे बच्चे का बॉडी कंट्रोल बैलेंस पोस्टर स्टेबिलिटी एंड बहुत अच्छी एक्टिविटी uh, रहती है हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए एक्टिविटी नंबर इलेवन पेपर पे कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस करते हुए बच्चे को आना है तो बैलेंसिंग इंप्रूव होगी प्रॉपर एंड वेस्टिबुलर इश्यूज डाउन आएंगे और बहुत अच्छी अटेंशन uh, एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर ट्वेल्व मैंने इसमें विजुअल के लिए हैंड एंड फुटप्रिंट दिया है बच्चे को फ्रॉक जंप करके आना है और विजुअल्स के अकॉर्डिंग अपने हैंड को प्लेस करना है तो दिस इज अ वेरी गुड मिडलाइन एक्टिविटी क्योंकि इसमें मिडलाइन क्रॉसिंग होगी फ्रॉक जंप है तो बच्चे का एनिमल वॉक है तो एंड वेजिटुलर इनपुट हम लोग दे रहे हैं तो बच्चे के सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे और हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी एक्टिविटी नंबर थर्टीन बच्चे को वॉक करके आना है यहाँ पर मैंने लेग्स के विजुअल्स दिए हैं बच्चे को अकॉर्डिंगली लेग प्लेस करना है तो आप देखेंगे इसमें मिड लाइन क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग मैंने विजुअल्स दिए हैं ताकि बच्चे की मिड लाइन क्रॉसिंग हो जिससे दोनों ब्रेन क्योंकि मिड लाइन क्रॉसिंग की मैंने ऑलरेडी बहुत सारी विडियो शेयर की हैं मिडलाइन क्रॉसिंग से ब्रेन का कॉम्युनिकेशन आता है लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है एक्टिविटी नंबर फोर्टीन मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है बियर वॉक करते हुए बच्चे को आना है रिंग को ऑब्जेक्ट में डालना है तो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है बियर वॉक है तो बच्चे के जो एनिमल वॉक हो जाएगी तो हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होगी सेंसरी इश्यूज डाउन आएंगे मिड लाइन क्रॉसिंग साथ में हमने इनकॉर्पोरेट किया है तो अगेन बच्चे के जो भी अटेंशन इश्यूज हैं कि बच्चे का विजुअल uh, ट्रैकिंग नहीं है या फिर बच्चे की अटेंशन और लर्निंग नहीं है एकेडमिक्स अगर मिड लाइन क्रॉसिंग वीक है तो बच्चे की रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है तो ये सारे इश्यूज इन एक्टिविटीज से सॉल्व होते हैं एक्टिविटी नंबर फिफ्टीन बैक जम्प तो अब इसमें बच्चे ने जम्प किया मैंने विजुअल के लिए सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं सो दैट उसको कंफ्यूजन ना हो और बैक उसको स्ट्रेट नहीं होना बैक होके जंप करना है जिससे बच्चे की ओवरऑल बॉडी प्लानिंग रोज मोटर प्लानिंग इंप्रूव होती है और बच्चे को अपनी बॉडी मैनुपुलेशन की खुद की बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है और मैनुपुलेट करना है वो अंडरस्टैंडिंग आती है एक्टिविटी नंबर सिक्सटीन टैंडम वॉक करके आना है मैंने एक डंडे पे दोनों साइड प्लेट्स लगा दिए हैं उसमें बॉल्स बॉल्स रख दिया है अब बॉल्स को गिनने नहीं देना है तो बैलेंसिंग एक्टिविटी है बच्चे को बैलेंस करना आएगा चीजों को कि वाइल्ड वॉकिंग कैसे बैलेंस करना है एक्टिविटी नंबर सेवेंटीन बियर क्रॉल करना है हैंड्स को मिडलाइन क्रॉस कराते हुए इस तरह से जिक्सैक्ट पैटर्न में प्लेस करना है सो दैट मिडलाइन क्रॉसिंग होगी दिस इज क्वाइट टफ क्योंकि इससे बॉडी को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि मुझे कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस करना है जब बच्चा इस है कि फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहा है तो आप मान के चलिए उसका मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा रहता है अब नेक्स्ट uh, इज क्योंकि पहले हम लोगों ने हैंड को क्रॉस किया था एंड अब हम लेग को क्रिसक्रॉस एग्जैक्ट वे में रखेंगे और सेम वॉक कराएंगे तो इससे डिफरेंट एरियाज पे एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग पे एंड बैलेंसिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं दिस इज एक्टिविटी नंबर एटीन सो नाउ एक्टिविटी नंबर नाइनटीन बैग हैंड में दिया है उसमें वेट डाल दिया है हैंड स्ट्रेट रखने हैं एंड टेंडअप वॉक करनी है तो दिस पोस्टर गिव यू अ वेरी गुड वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी बच्चे को वेट मैनेज करना एंड शोल्डर स्ट्रेंथनिंग बॉडी बैलेंसिंग एवरीथिंग इज डन थ्रू दिस So, ये 19 मैंने एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करी हैं एंड स्टेप स्टेप बाय कि कैसे इजी से हम लोग मुश्किल की तरफ आ सकते हैं देखिए मैं अपनी हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ और एवरीबॉडी नोज हेल्दी माइंड हेल्थी बॉडी एंड वाइस वर्सा हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड तो जितना ज्यादा हम बच्चों की ग्रोस मोटर स्किल्स पे काम करेंगे उतना ही वो मेंटली भी ग्रूम uh, करेंगे uh, और एक और चीज होती है फिजिकल एक्टिविटीज का देखिए छोटे बच्चे होते हैं दे डोंट सेट वो उनको बैठने की हैबिट नहीं होती है एंड दे कांट सेट उनमें इतनी एनर्जी होती है दे नीड टू बर्न दैट एनर्जी तो जब आप इस तरह की ग्रोस मोटर एक्टिविटीज कराते हैं व्हाट हैपेंस जो उनके सेंसरी इश्यूज चल रहे होते हैं दे क्रेव फॉर दैट मूवमेंट वो आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में शांत कर रहे हैं उनको वो चीज प्रोवाइड करा रहे हैं तो उनकी सिटिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है ठीक है तो इसलिए ग्रोस मोटर स्किल्स पे या फिजिकल एजुकेशन पे हमें जरूर काम करना चाहिए बच्चे का उसके बेनिफिट क्या रहते हैं बच्चे की टेंशन बढ़ती है बच्चे का ग्रोस मोटर फाइन मोटर अच्छा हो रहा है बच्चे के अगर कोई भी सेंसरी इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग मूवमेंट रिगार्डिंग देयर बॉडी अंडरस्टैंडिंग बैलेंसिंग वो सारे इश्यूज भी इससे सॉल्व हो जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है तो इस तरह की मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाई हैं जहां पर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल सिंगल एक्टिविटीज के साथ कि अगर आपने पॉपअप है आपके पास तो आप उससे कैसे ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज करा सकते हैं ब्लॉक से आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कैसे करा सकते हैं uh, मैंने अभी पिछले इस बार जैसे लाइन पे मैंने इतनी सारी एक्टिविटीज आपके साथ शेयर की है पिछली बार मैंने सर्कल में कि डिफरेंट सर्कल्स मैंने बनाए थे और उन पे मैं अराउंड टेन इलेवन एक्टिविटीज थी कि वो कैसे मैं परफॉर्म कराती हूँ तो वो सारा वीडियोस आप देख सकते हैं ऑन माय चैनल इन प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहां पर है सीरीज ऑन अटेंशन अटेंशन वाली एक्टिविटी उस फोल्डर में जाएंगे वहां पर सारी वीडियोस हैं आप वहां पर जाके देख सकते हैं वहां पर फाइन मोटर की भी हैं ग्रोस मोटर की भी हैं एंड ब्रेन बूस्टिंग वर्कशीट एक्टिविटीज भी हैं जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं और साथ ही साथ मिडलाइन मैंने इस वीडियो में शेयर किया अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे मिड लाइन क्रॉसिंग बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे हम बच्चों के ब्रेन में लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का सिंक कर सकते हैं तो इफ बोथ ब्रेन कम्युनिकेट वेल तो बच्चे के जितने इश्यूज रहते हैं लाइक like रीडिंग राइटिंग अकेडमिक्स विजुअल ट्रैकिंग वो सारे सॉल्व होते हैं मिड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब वो एक्टिविटीज जब हम लोग कराते हैं तो बच्चा आ, बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है और बच्चे के जो इश्यूज हैं वो बहुत हद तक डाउन आ पाते हैं सो आई होप दीज वीडियोज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू और आपको इससे बहुत अच्छे और न्यू न्यू आइडियाज मिले होंगे एंड वन मोर थिंग मोस्टली पेरेंट्स क्या पूछते हैं कि मैम आपने इतनी सारी एक्टिविटीज शेयर कर दी क्या ये मुझे एक साथ करनी है नहीं आ, मैंने सिर्फ इसको कंबाइन करके दिया है ताकि आपको पता चले कि इतनी सारी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं आप स्टार्ट कीजिए थ्री एक्टिविटीज लीजिए पहले वो कराइए जब बच्चा वो अच्छे से कर पाए तो नेक्स्ट थ्री एक्टिविटीज दिस इज लाइक दिस अगर आपका बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज दस पंद्रह एक्टिविटीज एक साथ कर सकता है वेल एंड गुड लेकिन अगर वो बहुत छोटा है या अभी उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग या कैपेसिटी नहीं है स्टार्ट विद थ्री थ्री एक्टिविटीज तो थ्री एक्टिविटीज एक बार में लेना है बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू सो दिस इज द मेजर क्वेश्चन दट्स वाई आंसर डेट तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू सो कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग थैंक यू सो मच